अगर यासिर तुझे लेने के लिए नहीं जाता तो तुझे तो ये ख्याल ही नहीं था कि तेरा कोई घर भी है जहाँ तुझे वापस जाना है। अम्मा ऐसी बात नहीं है, मैं वो खैर भाई मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि जब लड़कियां घर में बैठी होती हैं, माएं बस इसी चक्कर में रहती हैं कि जल्दी से उन्हें किसी के भी गले में बांध दें, और जब उनकी शादी हो जाती है तो अपने गुठने के साथ उनको चिपका के बैठी रहती है जैसे उनमें कोई सुरखाब के पर लगे हुए। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं और अरीबा बस। अल्लाह, क्या अरीबा भी भाग गई घर से? मैं ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हवा में बात नहीं कर रही, जो देखा है ना अपनी आंखों से वो ही बोल रही हूँ। अम्मा क्या देख लिया तूने? अब फूट भी दे, बिना वजह की भारी हो रही है तू। ए भैया, मैंने तो अरीबा और उमेर को इस तरह देखा है कि बस पूछो मत ही। उल्ले भाई, मतलब इन दोनों का भी टांगा फिरा हुआ, वाह। तो और क्या? अभी तो मैं सोचूं ये साला अरीबा से चिपका हुआ क्यों होता है। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, उमेर हमारा भाई है और कुछ नहीं। ए, बस कर, ये हम लोग कानों से ना निवाले नहीं खाते, तो तेरी बात को सच मान ले और जो हमने देखा है तो यकीन ना करें। और वैसे भी मेरी अम्मा का बड़ा तजर्बा है, ये कह रही है सच्ची होगा ये। जरूरी नहीं है जो भी आंखों से देखा जाए हमेशा सच्ची हो। शुरू हो गए दो लोग। अरे इन पढ़े लिखे लोगों को झूठ को सच और सच को झूठ मनवाने की आदत होती है। सानी आप लोग नहीं समझ पा रहे या फिर मैं नहीं समझा पा रही हूँ। ये सुन, तू अपनी औकात में रह, बढ़िया ही समझाने वाली। और उस्तानी बनने की बजाय ना बहू बनने पे ध्यान दे, जा जाकर बावर्ची खाना संभाल और शाम को तैयार भी हो जाना, मुंह दिखाई के लिए आएंगे लोग। मुंह दिखाई? और आज क्यों, आज क्या तकलीफ है तेरे मुंह को? यासिर मेरे अब्बू का 40वां भी नहीं हुआ, इस तरह से अच्छा नहीं लगता। ओले भाई, मतलब तू चाहती है कि तेरे बाप के साथ अब सब मर जाए, मतलब इस घर में कोई खुशी ना हो, हैं? नीरो ये मतलब नहीं है। बस कर, तेरा जो भी मतलब था तूने बहुत पका लिया, लस्सी गली तूने मेरे दिमाग की। अब तूने कुछ और बोला ना दूंगा तेरे को उल्टे हाथ का। अब जा ना, जाके बावर्ची खाने में मर, मेरे मुंह को आ रही है बिलावजा। जा भी। शाबाश मेरे शेर, बस इसी तरह इसको इसकी औकात पे रखियो। इसको ना इसे औकात में रखूंगा, याद करेगी किससे वास्ता लगा इसका। आज कुछ रहे।